Let us learn something. Yesterday we have learned a letter placing order. I think that you may have practiced it. बड़े बच्चे बोलने का ज़रूरत नहीं, जो मैटर मिलता है उसको प्रैक्टिस करते रहो. If the situation will not turn to positive condition, then the matter given in this way will work out. If we will get a chance for offline, then we can learn it detailed. So next business or official letter in the form of complaint. Registering complaint वाला portion पढ़ें, भले वो business letter हो official letter हो, complaint करने आना चाहिए. आज एक business letter का complaint कैसे भेजना है वो देखेंगे. business से related है, बिजनेस कंप्लेंट का मतलब है हम सामान खरीदा वो फॉल्ट निकला, उसको कंप्लेंट पुट अप करना है ताकि उसको सही करें या रिप्लेस हो जाए. सो उसके लिए हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रखा है, उसको अच्छी तरह पढ़ लेना. क्वेश्चन देखो, यू बॉट ए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज. हाँ, कुछ लोगों को रेफ्रिजरेटर क्या होता है अभी तक पता नहीं, ऐसा दुनिया में रहते हम. यू बॉट ए रेफ्रिजरेटर 2 months अगो फ्रॉम मोहन सेल्स अशोक विहार बेंगलोर. आप कहाँ से ख़रीदा उसका एड्रेस दे रखा है, 2 address दे रखा है, अपन को बनाने का ज़रूरत नहीं है अपने तरफ से. इट हैज डेवलप्ड सर्टन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इट्स फंक्शनिंग. धीरे 2 महीने पहले तो अब तक 2 महीने के अंदर अंदर उसका अंदर प्रॉब्लम आ गया. कूलिंग हैज स्टॉप्ड एंड इट इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज. कूलिंग तो हो ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही. राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग हिम फॉर इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम. उसका मैनेजर को एक कंप्लेंट लेटर पुटअप करें जिससे वो जल्दी आके इसको ठीक करा के दें, या फिर चेंज कर दे. यू आर सचिन और साक्षी, शशि, 61 प्रताप एनक्लेव बेंगलोर. वो एड्रेस भी दे रखा है आपको, उन्हें दोनों एड्रेस दे रखा है, इसलिए एड्रेस लिखने का कोई टेंशन नहीं है. तो जैसे नॉर्मल लेटर लिखता है, कल भी हमने देखा था, सबसे पहले हम अपना एड्रेस देता है. अपना एड्रेस यहाँ दिया है, सचिन या शशि है, 61 प्रताप एनक्लेव बेंगलोर में रहता है. तो हमें वही एड्रेस सबसे पहले ऑन द लेफ्ट टॉप में लिखना है, इसमें जैसा लिखा है 61. पहले मैंने बोला था नाम लिखते नहीं है अपने एड्रेस में, 61 प्रताप एनक्लेव बेंगलोर, ये अपना एड्रेस है. हम खुद को सचिन मानता है या शशि मानता है तो अपना एड्रेस यही निकलता. वो हमें इस तरह से लेफ्ट टॉप में लिखना है. कल जैसे बताया, लीव 1 line एंड राइट डेट. डेट 4 April 2000 दे रखा है हमें. उस डेट जिस दिन लिखेगा उस दिन, अगर आज लिखें तो आज 30 है, 30 July 2021. उसमें देखो 4 के बाद STNDRDTH का प्रयोग नहीं दे रखा है किताब में. अपन को तो STNDTH लगा के सीखना है. ऐसा लिखा है तो नंबर तो मिलेगा, लेकिन वो सिस्टम अपन सीखते हैं ना, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए. और इसलिए
इसमें अप्रैल के बाद कॉमा लगा रखा है, पुराने किताब में जैसे पढ़ाया जाता है वैसा है। अभी आजकल कॉमा बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसलिए हमें कॉमा नहीं लगाना है, थोड़ा स्पेस तो छोड़ना है। ये थोड़ा चिपका चिपका के लिखें वो अलाउ नहीं है, वो इसलिए कॉमा कॉमा लगा के पुराने टाइम में लिखा करता था, लेकिन कंप्यूटराइज्ड युग में इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सीधे क्या करना है, 4th अप्रैल के जगह में आज हम लेटर लिखें तो 30 लिखे TH। कुछ लोगों को STNDRDTH किसके साथ लगाना है कुछ लोगों को पता नहीं, 1 लिखा तो भी TH चढ़ाते, 2 लिखा तो भी TH चढ़ाते, हमें उसको बोल के देखना 1 को क्या कहते हैं, 1 तो नहीं है फर्स्ट होता है, सेकंड को 2th नहीं है सेकंड होता है, थर्ड को 3th नहीं है थर्ड होता है, 4th 5th 6th पूरा कंटिन्यूस तुम्हें आ जाता है, लेकिन 21 में आने के बाद 21st हो जाता, फिर 22nd 23rd 30th 31st, मैंने इतना ही है ना, 28 29 भी है वो तो 28th 29th 30th, लेकिन 31 आ गया तो 31st। इस तरह से डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद जिसको लिखना है उसका एड्रेस दे रखा है, कहाँ से हम सामान खरीदा उसी जगह में एड्रेस पूरा दे रखा है, मैनेजर सेल्स कौन सा फ्रॉम मोहन सेल्स अशोक विहार तो दे रखा है, और इसलिए हम एड्रेस ऐसे लिखे हैं, द मैनेजर मोहन सेल्स दुकान का नाम है, मैनेजर मोहन सेल्स अशोक विहार बेंगलोर, एड्रेस भी पूरा क्लियरली दे रखा है। ये लेटर लिखने का देखा था ना, लेफ्ट साइड में एक ही लेवल में ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक लाइन जाते हैं, उसका ध्यान दो। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट उसी लाइन में एक लाइन छोड़ के, कंप्लेंट रिगार्डिंग फॉल्टी रेफ्रिजरेटर सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, सल्यूटेशन देना है, सर मैडम जो करते आए हैं तो अपन को इसमें सर लिखना होता, अब अपना एड्रेस हो गया, डेट हो गया, जिसको लिखना है उसका एड्रेस हो गया, सल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रूल के आधार पर सल्यूटेशन पहले आते हैं सब्जेक्ट बाद में आते हैं, लेकिन किताबों में ऐसा ही लिखा, अपन को भी मार्क मिलने के लिए ऐसा लिखना है, क्योंकि जो टीचर्स इसको जो सीखते हैं वो सीख के थोड़ी आता है, वो भी ऐसे किताबों में देख के सीख लेते, लेकिन इंग्लिश के लेटर राइटिंग के रूल के आधार पर सब्जेक्ट सल्यूटेशन के बाद आते, लेकिन परीक्षा में ऐसे लिख के नंबर कमाना होता है तो ऐसे लिखता है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में यही लिखे हैं तभी तो नंबर देता है, जहाँ रूल को फॉलो करता है वो वहाँ सिखाए जाते हैं वैसे ही लिखना होता है, वहाँ का टीचर्स उसी को ही नंबर देगा, वहाँ तो बस सुविधा नहीं देखते वो रूल्स देखते। चलो हमें उसके और जाने की ज़रूरत नहीं, जो दिल वाला टीचर है तो कैसा भी थोड़ा ऊपर लिखे नीचे लिखे लिखा तो है तो नंबर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को समझने के लिए ये लिखता है, लेकिन कुछ मार्क कमाने के लिए रूल्स होते हैं, वो रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, इसलिए टीचर उस पर अड़े रहते हैं, लेकिन हल्का सा मतलब उल्टा पुल्टा हो गया तो क्या हुआ, अगर यहाँ का कॉपी वहाँ चला गया उसी टीचर को मिला है चेक करने के लिए, उसको 2-3 कॉपी देखना पड़ता है तो बच्चा कैसे लिखा हुआ है, अगर सभी सब्जेक्ट सल्यूटेशन के ऊपर लिखा तो उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सभी ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब वहाँ वैसे सिखाया गया, तो ये कोई क्राइम थोड़ी है कि ऊपर नीचे लिखने का, इसलिए वो टीचर इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, मैं तो नंबर दे देता हूँ, बस ये देखता हूँ वो आया ही नहीं आया।
लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब महीने का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मना किया तो बच्चे वही लिखते हैं। इसलिए मैंने कल बोला था जाके स्पेलिंग कैसा भी लिख के रट के प्रैक्टिस करके मन में छापना, क्योंकि हमें महीने का नाम और संडे मंडे का नाम लिखने आना चाहिए स्पेलिंग गलत बिना, ना यूं ही लिखा तो क्या फ़ायदा। कुछ लोगों को स्पेलिंग नहीं आता इसलिए तो वो चढ़ा देते हैं इसे। अभी मैं स्पेलिंग पूछूं अगर ऑफलाइन होता तो मैं पूछ लेते, तो मज़ा देख लेते कितने लोगों को आता है कितने लोगों को नहीं आता। बहाना बहुत बनाते हैं सर, बोलते समय अकड़ जाता है, अटक जाता, गलती हो जाती, मैं लिख के दिखाओ। अच्छा कोई बात नहीं, एक चांस दिया तो लिख के दिखाओ। जो लिख के दिखाते हैं तो जो बोलने में जो हुआ था उससे भी ज़्यादा गलती आ जाती, ये हमारी स्थिति है। ऐसा स्थिति से बचने के लिए तो एक बार शर्म करके आंख नीचे करके संडे मंडे और जनवरी फरवरी का पूरा स्पेलिंग लिख के सीख लो, तो उसके बाद सल्यूटेशन के बाद हमें मालूम है हमें तो लेटर लिखना शुरू करें, तो बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करनी है। देखो सर जिस लेवल में लिखा उसी लेवल में स्टार्ट करते ही, यहाँ वहाँ तीन पैराग्राफ में लिखा है ये लेटर देख लो। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद क्या है, स्पेस दिखाई दे रहे ना, एक लाइन छोड़ना है। सेकंड पैराग्राफ के बाद भी गैप दिखाई दे रहे ना, एक लाइन छोड़ना। अगर लाइन नहीं छोड़ा तो एज इट इज रह पता नहीं पड़ेगा पैराग्राफ है या नहीं। सब्जेक्ट देखो, कंप्लेंट रिगार्डिंग फॉल्टी रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ का हम कंप्लेंट करते हैं वो और इस तरह से लिख सकता है, कंप्लेंट रिगार्डिंग फॉल्टी रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर है इसलिए हमें रेफ्रिजरेटर लिखना है, क्योंकि वो देख के उतार सकता है ना। अगर फ्रिज लिखा, फ्रिज का स्पेलिंग नहीं आता, हम फ्रिज 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 बोलते हैं, स्पेलिंग भी फ्रिज करके भेजें पर नहीं मिलेगा भाई। सो बी केयरफुल। तो लेटर इस तरह से स्टार्ट कर रखा है, दिस इज विथ रेफरेंस टू द गोदरेज रेफ्रिजरेटर दैट आई परचेज्ड फ्रॉम योर स्टोर 2 months ago। साफ साफ क्लियर लिखा है पूरा, ये उस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ, 2 महीने पहले आपके दुकान से खरीदा हुआ रेफ्रिजरेटर, वो भी कौन सा वाला, गोदरेज। क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है गोदरेज, तो हमें कुछ ब्रांड तो याद रखना पड़ता है, एलजी है, वर्लपूल है, यहाँ गोदरेज आ गया, कैल्विनेटर है, तो लंबा चौड़ा है, स्पेलिंग नहीं आता है तो मत लिखना। और बहुत सारे ब्रांड आजकल आ गया तो 3-4 नाम तो रख लेना, यहाँ तो अगर गोदरेज रेफ्रिजरेटर बता रखा है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन है ही नहीं इसलिए हमें वो एक ब्रांड लिखना जरूरी होता है, तो लिख ले। कुछ भी दिमाग में नहीं आए तो लिखे मत, ऐसा नाम चढ़ाएंगे तो कॉपी चेक करने वाला होगा, ये नया ब्रांड कौन बना के भेजा, सोच सकता है। उनको भी ऐसे सोचने का कोई मतलब नहीं, कोई सा भी रेफ्रिजरेटर का नाम चाहिए, ये इसलिए लिखता है क्योंकि हमें आगे लेटर लिखने आना चाहिए, और दूसरा हमारे ग्रामेटिकल कंडीशन क्या है वो चेक करने के लिए ऐसा लेटर देते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। हमें फॉर्मेट लिखने आता है या लेटर लिखने आता है वो देखना है, और दूसरी बात हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो चेक करने वाला पोर्शन है ये राइटिंग सेक्शन। तो अभी इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद पैराग्राफ चेंज किया, पैराग्राफ चेंज करने के लिए एक लाइन छोड़ गए, शुरू से ही लिखना है, देखा शुरू से ही लिखे रखा। वैसे किताबों में थोड़ा सा जगह छोड़ के पैराग्राफ शुरू होता है, वो सिस्टम नहीं है। हम लेटर वगैरह क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखते समय, पैराग्राफ लिखते समय तो ऐसा सिस्टम है नहीं, तो इसमें सारे स्टार्टिंग से, वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में एक लाइन लिख के एंटर मारते ही दूसरे लाइन स्टार्टिंग से शुरू करते अगर पैराग्राफ हो तो, इसलिए वहाँ डबल एंट्री मारना पड़ता है ताकि स्पेस तो आ जाए। तो जो है अपने सामने है एक बार पढ़ के सुना दो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू इन्फॉर्म यू
आपको ये बताने में खेद है दैट द रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। मैंने जो ख़रीदा था वो रेफ्रिजरेटर सही नहीं चल रहा, एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू दिस। इसकी वजह से हम कई समस्या का सामना कर रहे हैं। द कूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैज स्टॉप्ड। देखो ये लाइन क्वेश्चन में, यानी कुछ लाइन लिखने के लिए हमें क्वेश्चन से ही मिलेगा, एंड इट इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइस, ये भी क्वेश्चन में है। तो 10-20 शब्द अपन को तो यूं ही मिलेगा, एंड दिस हैज कॉस्ड ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू अस। ये हमें असुविधा प्रदान कर रहे, क्योंकि वेदर तो गर्मी का है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर चाहिए चाहिए, ठंडा पानी पीने के लिए नहीं है, जो सामान संभाल कर रखने के लिए, वरना तो बाहर रखा तो गर्मी का मौसम है वो ख़राब हो जाता। अब ये पूछेंगे तो बस जिसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है वो समझदार होता है, वो हमारा इतना सामान लेके नहीं आता, उनको मालूम है ज़्यादा लेके आए तो पड़े पड़े ख़राब हो जाए, इसलिए वो पर्याप्त ताज़ा माल लेके आता है। हम लोग ख़राब माल रख के फ्रिज में रख के उसको सत्यानाश करके बाद में बना के खा लेते, तो ये भी है। इसलिए जिसके पास रेफ्रिजरेटर है उसको नीचा दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सही है, हम गलत है, क्योंकि वो ताज़ा माल ला के ताज़ा तैयार करके काम में लेते हैं। हमें फ्रिज में रखने की सुविधा है इसलिए तो ऐसे ऐसे चीज़ें ला के हम रख देते। तो हम ज़्यादा आइसक्रीम लेके आते हैं और फ्रिज में रख देते, लेकिन फ्रिज में टेम्परेचर कम है तो वो पिघल जा ही जाएगा, फ्रीजर में रखा है तो निकालने का सिस्टम नहीं आता है तो वो तो उसी में चिपक जाएगा। लेकिन जिसके पास फ्रिज नहीं है उनको मालूम है वो तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो कम दो जने हो तो दो पीस लेके आया, हाथ वाथ खा लिया, ख़त्म, उनको कोई टेंशन नहीं है, पिघलेगा ख़राब हो जाएगा कोई। तो इस तरह से हमें कई प्रॉब्लम है भाया। अब पैराग्राफ चेंज किया, देखो ज़्यादा तो लिखा नहीं है ना, जो मेन पॉइंट उतार के दिया भाया, क्योंकि बिजनेस में इतना लंबा चौड़ा लेटर पढ़ने का टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो भी कोई इतना पढ़ना नहीं चाहेगा। ऑफिशियल लेटर में भी वही है, जो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें बड़ा चढ़ा के लिख लो, पढ़ने वाले तो अपने ही दोस्त है, घर वाला है, वो बैठ के आराम से पढ़ ले। इस तरह से इसको क्या करो, कंक्लूड करो, I request you to kindly look into the matter and get the refrigerator repaired or replaced urgently. क्योंकि वारंटी पीरियड में वो तो करना ही पड़ता है। Hoping for an immediate action from your side, वो भी एक पैराग्राफ में लिखा है, एक लाइन, उसके लिए भी एक लाइन अलग छोड़ा, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिखाई देना, तो इसलिए एक लाइन छोड़ते हैं, पैराग्राफ शो करता है। अब एक लाइन और छोड़ना, उसके बाद यूअर सिंसियरली लिखना या फेथफुली लिखना, कल हमने देखा था सिंसियरली का स्पेलिंग आता है तो लिखना, नहीं तो फेथफुली लिखना, वो भी स्पेलिंग आना चाहिए। यूअर्स लिखने का तरीका कल बताया, बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है, ये पूरा लाइन में एक ही लेटर कैपिटल होता है वो वही होता है। यूअर्स लिखने का तरीका बोला, कुछ लोग यूअर के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, कुछ लोग केवल यूअर लिखते हैं, लेटर में अगर यूअर लिखा तो मीनिंग तेरा होता है, हिंदी मीनिंग देखा है तो आपका निकलता है, लेकिन लेटर में ऐसा लिखा आपका नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तेरा पड़ेगा, इसलिए लेटर में लिखते हैं यूअर्स, लिखते हैं यूअर नहीं लिखें, और अपोस्ट्रोफी जैसे पापा का मम्मी की, तो क्या करते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के, का के लिए अपोस्ट्रोफी लगाते, लेकिन यहाँ भी हम सोचे आपका है ना, इसलिए तो अपोस्ट्रोफी लगा ही देते, नहीं लगाना, अगर ऐसा लगाया तो वो तेरा मीनिंग निकलता है डायरेक्ट, कलेक्टर को चिट्ठी लिखा, हाँ तेरा आज्ञाकारी, तेरा शुभचिंतक, तेरा विश्वसनीय, ऐसा मीनिंग जाता है लेटर में। अभी भी बोल रहे हैं क्या, जो ध्यान से बैठे उसको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है इसमें, फिर मैं देखता हूँ, कितना भी बोलो तो करने वाला अपोस्ट्रोफी लिखा बिना सो ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ ही सुला दूंगा जब ऑफलाइन आते समय, जो बोलता है उसको ध्यान से सुनो, पढ़ लो, क्योंकि बार बार
पढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं तो क्या करोगे? तो यू वर्ड सिंसियरली या फेथफुली लिखें, एक ही अक्षर कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर, बाकी सब चाहे सिंसियरली लिखो, ट्रूली लिखो, फेथफुली लिखो, जो भी लिखें उसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए। अब लाइन नहीं छोड़ने, सीधे ऊपर जो लिखा है वो नाम से एक उतारो। लड़कियां शशि लिखें, लड़के सचिन लिखे। अगर कोई लड़का शशि लिखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों को पता थोड़ी रहता है लड़का है लड़की है, हमें नाम चाहिए उससे मतलब है। हाँ, लड़की का नाम लिखा है तो सामने वाला सोचेगा ये कोई लड़की है, लड़के का काम लड़के का है, लड़के का नाम लिखा तो टीचर समझेगा ये लड़का है। मैं तो कुछ भी नहीं समझता, मैं केवल नाम के लिए, नाम लिखा है नहीं लिखा मैं यही देखता हूँ। लेकिन कुछ मैटर में भी हमें पता चल जाते हैं मेल है फीमेल है, तो वहाँ पर फिर तो देखना ही पड़ता है, बाकी कॉमनली ऐसे कोई बात नहीं आते। ये हो गया लेटर, कंप्लेंट वाला लेटर, बिजनेस का कंप्लेंट वाला लेटर ये है, कलम ऑफिशियल कंप्लेंट कैसे लिखता है वो देखेंगे। समझो आगे, अपना एड्रेस, डेट, जिसको भेजना है उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूशन, सिग्नेचर। ये सचिन लिखा है वो तो वास्तव में सिग्नेचर है, लेकिन परीक्षा में सिग्नेचर लिखने का अलाउ नहीं है और इसलिए नाम लिखता है। समझो आ गया होगा, अभी प्रैक्टिस करो।